फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल वर्ल्ड टूर गाइड में। दोस्तों, अगर आप अप्रैल के मंथ में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो धरती के स्वर्ग में आप अपनी छुट्टियां बिता सकते हैं। अगर आप भी अप्रैल महीने की गर्मी से दूर भारत की ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां आपको ठंडक मिले, तो श्रीनगर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपके मन को शांति और सुकून देगी। झेलम नदी के रास्ते में स्थित श्रीनगर बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है, जिसे कश्मीर की घाटी का दिल भी कहा जाता है। गर्मियों से दूर अप्रैल में घूमने के लिए भारत के सबसे अच्छी जगहों में से एक मानी जाती है ये। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको श्रीनगर की कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताऊंगी, तो आइए जानते हैं। फर्स्ट आता है डल झील। जैसे चांद के साथ चांदनी जरूरी है दोस्तों, वैसे ही डल झील के बिना श्रीनगर की ट्रिप अधूरी है। 26 वर्ग किलोमीटर में फैली यह झील धरती पर स्वर्ग की तरह नजर आती है। डल झील कश्मीर को एक अलग ही पहचान दिलाती है। ये झील तीनों झीलों से मिलकर बनी है, जिसमें लोकट और बोधेत झील मिले हुए हैं। आप डल झील में बोटिंग का मजा ले सकते हैं। यहाँ हर शाम को म्यूजिकल फुवारा और लेजर शो भी होता है। यहाँ डल झील के किनारे पर कई सारे होटल और गार्डन अवेलेबल है दोस्तों। डल झील में आप हाउस बोट का भी मजा ले सकते हैं, तो एक बार यहाँ जरूर विजिट करिए। नेक्स्ट आता है नागिन झील। ज्वेल इन द रिंग के नाम से मशहूर नागिन झील चारों तरफ से पेड़ों से घिरी हुई है। साथ ही ये झील काफ़ी साफ और इसका पानी बिल्कुल नीले रंग का है दोस्तों, इसी वजह से इसका नाम नागिन झील है। यहाँ पॉल्यूशन भी काफ़ी कम है, इसीलिए इस जगह पर लोग स्विमिंग करते हैं और साथ ही ये जगह वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी जानी जाती है। ऐसे में अगर आप श्रीनगर जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप यहाँ ज़रूर विजिट करिए। आता है वुलर झील। वुलर झील श्रीनगर के हरमुख पर्वत पर स्थित एक खूबसूरत झील है। पहाड़ों की खूबसूरत वादियाँ और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, श्रीनगर के पसंदीदा टूरिस्ट प्लेस में से एक है। वुलर झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, जो लगभग 200 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। यहाँ आप वाटर स्काइंग, नौका विहार जैसे वाटर स्पोर्ट्स और सनसेट पॉइंट और पिकनिक स्पॉट भी काफ़ी फेमस है, जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है गुलमर्ग। भारत की बेस्ट लग्जरी जगहों में से एक गुलमर्ग है। गुलमर्ग की स्थापना का श्रेय अंग्रेजों को जाता है दोस्तों, जिन्होंने सन 1927 में इस हिल स्टेशन की स्थापना की थी। अंग्रेज गर्मियों के मौसम में यहाँ अपना वक्त बिताते थे, लेकिन अब आप भी गर्मियों के मौसम में यहाँ अपनी छुट्टियाँ बिता सकते हैं। ये जगह 2030 मीटर की ऊँची पहाड़ियों पर स्थित है और यहाँ आप कार के जरिए भी पहुँच सकते हैं। श्रीनगर से गुलमर्ग की दूरी 65 किलोमीटर है और यहाँ कई अच्छे रिजॉर्ट भी है जहाँ आप अपनी छुट्टी बिता सकते हैं। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स भी है दोस्तों, तो एक बार यहाँ भी ज़रूर विजिट करिए। लास्ट आता है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। श्रीनगर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। ये गार्डन डल झील के किनारे पर मौजूद जबरवाल पहाड़ियों के ऊपर स्थित है। हर साल अप्रैल महीने में यहाँ ट्यूलिप फेस्टिवल चलता है, जिसके चलते यहाँ काफ़ी सारे लोग घूमने के लिए श्रीनगर पहुँचते हैं। इस बार जो ट्यूलिप गार्डन है एक महीना चलेगा और ये 20 मार्च से 20 अप्रैल तक चलने वाला है और यहाँ पर 16 लाख ट्यूलिप फूलों से इस गार्डन को सजाया गया है, तो देखने लायक है। इसका एरिया लगभग 75 एकड़ में फैला हुआ है। ऐसे में अगर आप श्रीनगर जा रहे हैं तो यहाँ घूमना ना भूलें। बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है जो साल में सिर्फ एक ही बार ओपन होता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए श्रीनगर कितनी बेस्ट जगह है, तो यहाँ एक बार अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर विजिट करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।